हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की अतरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्लाइस ब्रेड पुडिंग। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो ये लीजिए, मेन इंग्रेडिएंट तो यही है। तो ये 4 स्लाइस ब्रेड लिए हैं मैंने और 250 ग्राम दूध लिया है, फ्रेश दूध है, और इसमें मलाई भी है, मलाई सहित, और करीब 80 ग्राम चीनी लिया है, 2 इलायची है। देखिए इसको हमें कूट कर डालना है। ये देसी घी है, इसमें से सिर्फ 2 चम्मच मैं लूँगी। और ये कुछ मेवे हैं, ये थोड़ा सा पिस्ता है जो हमने काट लिया है, और ये बादाम और काजू है थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी किशमिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ब्रेड को ग्राइंड करना है। तो इसको टुकड़े टुकड़े कर लेती हूँ, ये देखिए, और उसके बाद ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। आप चाहें तो इसके एजेज निकाल सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये ग्राइंड होके तैयार है। इसको हमें हमेशा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं। और इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ, ये देखिए। और फ्लेम हमें हल्का ही रखना है, लो टू मीडियम, तेज नहीं रखना है। तो ये धीरे धीरे ही भुनेगा, क्योंकि तेज अगर हम रखेंगे तो ब्रेड, आप जानते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भी इसको हमें लाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही भुनना है, बस 2-3 मिनट। तो चलिए इसको और भुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये भुन गया है, इसको बहुत लाल मैंने नहीं किया, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अब ये देखिए कैसे कम हो गया है। बस इसको ड्राई करना और कुछ नहीं। अब इसमें मैं दूध डाल दे रही हूँ। अब जरा सा हो जाए, ये देखिए चीनी अभी हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा दूध सोख कर ले फिर। ये देखिए सोक करने लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज में ये ब्रेड ने सारा सोक कर लिया है दूध को। इस स्टेज में ही आप चीनी डाल सकते हैं, और थोड़ा दूध और भी डालना चाहे, इसमें सुखाना चाहे तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल के ही आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हमने दूध डाल दिया है, और फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर दिया हमने, और इसी टाइम मैं चीनी भी डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो दूध नहीं भी डाल सकते थे, वो तो मैंने डाल दिखाने के लिए आपको मैंने डाल दिया। ये देखिए बस 2 मिनट में ये सारी चीनी पिघल जाएगी, सारी मेल्ट हो जाएगी। देखिए इसको थोड़ा सा फैला फैला के, और ज़्यादा कोशिश करें कि अगर नॉनस्टिक में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी तो किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। और एक चीज़ और भी है, अगर छोटे बच्चे को, जिसको आप सेरेलैक वगैरह देते हैं, उनको भी आप बड़े आराम से खिला सकते हैं, बहुत ही शौक से वो छोटे वाले बच्चे इस चीज़ को खाते हैं। डेजर्ट में भी बना सकते हैं। मेवा डाल दूंगी, थोड़े से काजू डाले मैंने, इलायची तो सबसे लास्ट में डालना चाहिए हमेशा, देखिए थोड़ी सी देसी घी इसमें और जाएगी, लास्ट टाइम में बस जरा सी, एक बार मैं और डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी कुछ सूख चुका है बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैं इसमें अभी और डालूंगी। करीब हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया, बहुत ज़रा सा भी डाला है, टोटल मिला के हमने 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाला है। ये देखिए, और एक चीज़ और भी, मेवा काटने से पहले हमने इसको थोड़ा सा देसी घी में भून लिया था मेवे को, और उसके बाद इसको कट किया है हमने।
बहुत हल्का सा, जिससे कि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और भी, ये देखिए इलायची मैं हमेशा मीठी चीज़ों में इसको डालती हूँ, कूट की पिसी हुई इलायची अगर आप रखेंगे तो उसमें से महक निकल जाती है और टेस्ट भी थोड़ा सा इससे इन्हेंस हो जाता है तुरंत कूट के डालने से। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। देखिए अब इसको मैं प्लेटिंग कर देती हूँ और गार्निश कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपकी स्लाइस ब्रेड पुडिंग बिल्कुल बन के रेडी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर बिगनर्स हैं तो भी करें और नहीं हैं तब भी मेरे तरीके से ज़रूर एक बार बना के देखें। और आपको अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लाती रहूँगी। धन्यवाद।